वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे विस्की के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का आंसर। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको मालूम नहीं है और आप पूछने से भी झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं, किसी को भी सोचते हैं कि अगर मैं पूछ लूंगा तो मेरा इज्जत का दिवाला बन जाएगा। फ्रेंड्स, आज उन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं लेके आया हूं, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन और उसका आंसर। तो वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वह है कि बॉटल में कैद जो विस्की आपके पास है वो सालों साल रखने से क्या उसका जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है वो घट जाता है? मतलब बॉटल के पीछे या बॉटल के सामने आपको एक संख्या दिख जाएगा जैसे 42.8% V/V, मतलब ये है अल्कोहल स्ट्रेंथ। तो अल्कोहल परसेंटेज क्या सालों साल रखने से घट जाता है? जी, आंसर है बिल्कुल नहीं। एकदम जैसा इंटैक्ट बॉटल आपको मिला था वहां पर जो भी अल्कोहल परसेंटेज को मेंशन किया गया था वही मिलेगा आपको सालों साल रख देने से भी। सेकेंड क्वेश्चन, क्या स्कॉच विस्की का सील बॉटल को सालों साल रखने से उसमें क्वालिटी का सुधार आता है, मतलब क्वालिटी क्या इंप्रूव करता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, कोई चेंजेस नहीं आएगा टिल द टाइम आप उस बॉटल को ओपन नहीं कर दो। आप अगर बॉटल को ओपन करते हो तब जाके उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन घुस जाता है। आप अगर बॉटल से विस्की को पोर करके पी लेते हो और फिर बंद कर देते हो तो उसमें जो आपने पोर किया वो जो गैप तैयार हुआ उसमें ऑक्सीजन घुस जाता है और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीडाइजेशन चालू होता है। इसके अलावा अगर आपका पास सील बॉटल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, आप चाहे कितना भी साल अपने पास रख दो। और ये भी जान लीजिए कि बॉटल में विस्की को कभी भी मैच्योर नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी चेंजेस आप नोटिस नहीं कर पाएंगे विस्की बॉटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या समय के साथ साथ विस्की अपना ब्राइटनेस खो देता है, मतलब कलर में क्या चेंजेस आता है? फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा ये भी एक गलत धारणा है। फ्रेंड्स, ये होता तो है मगर उसमें दो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप विस्की को कोई ठंडा जगह पे रखते हैं तो उसमें कलर का कोई चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई किसी का आदत है ना फ्रिज में विस्की को घुसा के रखने का, तो अगर आप फ्रिज में विस्की को घुसा के रखते हैं, अगर वो चिल फिल्टर विस्की नहीं है तब जाके वो विस्की थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज जैसे हो जाएगा तो विस्की का जो अंदर का जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो प्रोटीन है, फैट है, वो थोड़ा जम जाता है, और जैसे ही वो जम जाता है तो आपको विस्की थोड़ा सा धुंधला लगता है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस विस्की को आप बाहर रख देंगे तो फिर वो नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। ये है एक धुंधलापन का एहसास। और नेक्स्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई विस्की को खोला है और वो खोलने के बाद विस्की को एक ऐसा जगह रखा है जो जहां पर सनलाइट डायरेक्ट आपका विस्की को टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, तब जाके आपका विस्की थोड़ा सा धुंधला होने का चांसेस है या ब्राइटनेस खो जाने का चांसेस है। तो यही दो मेजर पॉइंट है जहां से विस्की धुंधला हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि विस्की का सर्विंग टेम्परेचर क्या होगा, मतलब कौन सा टेम्परेचर में विस्की को सर्व करना चाहिए। यहां पर मैं बोलूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा आइस कहां गिरता है, क्या आपको मालूम है? तो मैं बोलूंगा कि विस्की का ग्लास में। जी हाँ, ये टोटली सब्जेक्टिव है, मतलब विस्की जो टेम्परेचर होगा, विस्की का जो सर्विंग टेम्परेचर होगा टोटली सब्जेक्टिव है एंड मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। मैं बोलूंगा यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, आप अपना विस्की में लॉट्स ऑफ आइस के साथ भी पी सकते हो, आप अपना विस्की रूम टेम्परेचर भी पी सकते हो, नीट भी पी सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पर वेदर थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है वहां पर विस्कीज को रूम टेम्परेचर पिया जाता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, रूम टेम्परेचर पीना चाहिए। इंडिया में आप अगर चाहे तो 1 क्यूब ऑफ आइस के साथ भी पी सकते हैं, लॉट्स ऑफ आइस के साथ भी पी सकते हैं। सो देयर इज नो रूल, आपका मर्जी आप कैसे विस्की को एंजॉय करेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड डोंट डू चेस, डू जय हो।